हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैनी थिंग एयर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन का रिव्यू लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों आप लोग जैसे भी जानते हैं कि हम जिस मोबाइल चलाते हैं तो उसमें स्क्रीन रोटेशन का एक ऑप्शन आता है, तो हमको स्क्रीन रोटेट करनी होती है तो ऊपर से बार बार नोटिफिकेशन पैनल में हम स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन को ऑन ऑफ करते हैं, तो इससे थोड़ी इरिटेटिंग भी होती है। बार बार स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए रोटेशन को हमको नोटिफिकेशन पैनल ओपन करना पड़ता है, स्वाइप करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक एप्लीकेशन में लेकर आया हूँ, उससे आपको बार बार इस नोटिफिकेशन पैनल से स्क्रीन रोटेशन ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने YouTube ऑन किया, YouTube में जैसे ही मैं अपने मोबाइल को टर्न करता हूँ तो एक बीच में स्क्रीन रोटेशन का ऑप्शन आ जाता है, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरी स्क्रीन रोटेट हो जाती है। तो इसको बैक करना है तो इसके मोबाइल को आप सीधा करेंगे तो फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आपकी स्क्रीन सीधी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, बार बार हमको नोटिफिकेशन पैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से ही हम स्क्रीन पे कहीं पर भी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ओपन किया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन को रोटेट कर लिया है, सिर्फ सामने जो सिंबल आ रहा है उस पर क्लिक करना है। तो ये एप्लीकेशन कौन सी है इसके बारे में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन का नाम है डायनेमिक रोटेशन। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप चाहे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो सामने आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, ऊपर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से आप इसको ऑन कर लीजिए। यहाँ से ऑन करने के बाद नीचे प्ले बटन का लिखा हुआ है, आप यहाँ से प्ले बटन ऑन कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से आपको सेंसिविटी, बटन साइज और शो टाइम ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सेंसिविटी और बटन साइज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो बटन का जो रोटेशन का जो साइज बन के आता है सिंबल, तो ये इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद शो टाइम है कि आप इसको कितनी देर तक सिंबल को रहने देना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर, 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड, मैक्सिमम इसने 3 सेकंड का ही टाइम है। इसके अलावा सेंसिटिविटी का ऑप्शन ये है कि सेंसिटिविटी आप जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आप मोबाइल को जैसे ही टर्न करेंगे उतनी ही जल्दी ये इसको सेंसिटिविटी पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, उतनी जल्दी आपकी स्क्रीन के टर्न कर देगा। ये देखिए मोबाइल की स्क्रीन की टाइमिंग मैंने बढ़ा दी उसके शो टाइम, तो ये अभी तक सिंबल मेरे स्क्रीन पर आ रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी एप्लीकेशन और वीडियो आपको दोनों पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की एप्लीकेशन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।